और भैया क्या नाम है आपका? राजा। तो भैया दुकान कब से लगा रहे हो? 2013 मतलब 8 साल हो गया। ओह, कहाँ से सीखा आपने बनाना? मुंबई गए थे आप? हाँ। ओह, तो आप वड़ा पाव के अलावा और कुछ रखते हो? अभी तो वड़ा पाव चल रहा है, इसमें 3-4 आइटम है। कौन कौन से? नॉर्मल वड़ा पाव है, मेयोनीज पाव है, चीज पाव है, चीज बर्गर है। चीज बर्गर, तो सबसे स्पेशल आइटम? चीज बर्गर अभी चल रहा है। ओह, अभी आप 4 दिन हो। ठीक है भैया, हमारे लिए चीज बर्गर लगा दीजिए। चलिए देखते हैं राजा भाई कैसे बनाते हैं चीज बर्गर। हाँ, रिकॉर्डिंग अच्छे। अच्छे फेमस तो ये हो रहा हमारा बर्गर, बटर में गर्म किया जा रहा है इसे। बर्गर को सेक लिया गया है और फिर से बटर। और इस पे लग रही है चटनी हरी, ये हरा चटनी है ना, ये तीखी चटनी है और वो मीठी चटनी। अच्छा, ये आया नमक, ये आया चनाचूर, धनिया पत्ता। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से बना रहे हो भैया। लेकिन आप कितने साल थे मुंबई में? 3 महीना। 3 महीना? 3 महीने से क्या गया, रेसिपी चुरा लिए? नहीं सीरियसली, वहाँ का हिसाब से बहुत चेंजिंग है। अच्छा, टेस्ट में क्वांटिटी का हिसाब है? क्वांटिटी बड़ा होता है या छोटा होता है वहाँ का? वहाँ का जो है बड़ा होता है। अच्छा, तो बड़ा होता है ना। यह मेयोनीज, फ्लड ऑफ मेयोनीज। ग्रेट, फाइनली ऊपर से आया चीज और ये हो गया हमारा बर्गर पूरा। तो गाइज ये है हमारा बर्गर और मैं काफ़ी रश में था तो मैं वहाँ खा नहीं पाया, तो मैं इसे घर पे लेके चला आया और टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ ये कैसा है। लाजवाब। जैसा कि राजा भाई ने बताया कि टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है मुंबई वाले से, बट मैंने कभी बड़ा पाव तो खाया नहीं मुंबई का, बट ये वाला लाजवाब है, काफ़ी टेस्टी है। काफ़ी मिक्स कॉम्बिनेशन मिलता आपको, खट्टा मीठा तीखा, इसमें सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे। और मेयोनीज इसमें भर के रखा हुआ है और बटर से 2 बार सेका भी गया इसे ब्रेड को, उसके साथ चीज़ भी है, तो ये काफ़ी मिक्स टेस्ट देंगे आपको। और जो टेस्ट का कॉम्बिनेशन है वो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी चटपटा भी है, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करें, आप ज़रूर जाएं। और काफ़ी सस्ता भी है ये, 15 रुपये का नॉर्मल वाला आता है और 30 रुपीज़ का आता है चीज़ और मेयोनीज के साथ। तो चाहें और ट्राई करें मुंबई का वड़ा पाव। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और कोशिश करूँ कि अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँ आपके लिए।